संजय आज उर्मिला और लल्ली को लेके बहुत ज़्यादा कुछ गोलमाल चला है और वो सीन बहुत मज़ेदार था, पर्सनली देखने में बहुत मज़ा आया। थैंक यू। अगर आप कह रहे हैं तो फिर अगर लोगों को, हम जनरली हम देखते हैं कि अगर जो यहाँ यूनिट वाले तो अलग है लेकिन आप ऑब्वियसली रोज़ नहीं आते, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर कि वो टेलीविजन पे और अच्छा निकल के आएगा। एंड हाँ, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन था क्योंकि जब आप क्या होता है जब ज़्यादा हम सारे लोग होते हैं, पूरा परिवार होता है, एक झूठ को छुपाने के लिए एक आदमी बोलता रहता है लेकिन उस थोड़े टाइम के बाद आइडिया आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो आप आसपास देखते हो कि अब डैड आप उठाओ, फिर डैड मेरी तरफ़ देखता है, फिर वो कभी अचानक हम पे फेंक देते हैं क्या अच्छा बेटा तू ही बता ले, तो आपको वो, हालांकि हमको डायलॉग पता होते हैं लेकिन हमको इस तरह से रिएक्ट करना होता है कि हाँ अब अगला झूठ क्या आने वाला है वो हमें भी पता नहीं है। काफ़ी सीक्वेंस वाइज चला है आपका, काफ़ी सीन। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत, दिस वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन जो आज हमने किया, क्योंकि मज़ा उसी का है कि जब आप झूठ तो हम बोल लेते हैं फिर निकल जाते हैं, झूठ को बचाना कैसे है ताकि वो झूठ पकड़ा ना जाए, वही सीन्स करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये क्या कन्फ्यूजन है जो जया को के दिमाग में, जहन में उठी है ललिता और उर्मिला? हाँ, हम जो उनके सामने वो सारे झूठ हैं, हमारे जो मतलब जो हमारे रिश्ते हैं वो ऐसे बड़े सच्चे हैं लेकिन वैसे झूठे हैं, तो और ऑब्वियसली हर इंसान का एक अपना एक ओरिजिनल रिश्ता भी है, तो जैसे उर्मिला का भी एक ओरिजिनल रिश्ता है उसकी माँ का, वो एक अलग है, लेकिन यहाँ पर उसने एक तस्वीर देखी है जहाँ पर उसकी माँ की तस्वीर है, उर्मिला की माँ की तस्वीर, अब उनके लिए माँ है माल पानी, तो फिर जब वो देखती है तो वो अभी, हाँ अभी वो कन्फ्यूजन है, वो जानना चाहते कि ये जो आप हमें दिखा रहे हो वो उर्मिला है ही नहीं, उर्मिला लल्ली है, तो अब इसे कैसे बचाना है। लेकिन लास्टली बच ही गए आप लोग, बहुत सांस ली, चैन की सांस ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चैन की सांस ली। अगर आपने ये सीन देखोगे ना तो उसमें एक तो क्या था कि जो झूठ बोला जाता है बहुत इमोशनल लेवल पे बोला जाता है, तो आप भी हर चीज़ सोच सोच के समझ समझ के फूक फूक के आप अपने कदम रख रहे हो, उसमें मालपानी बीच में हमारे कदम की बैंड बजा देती है, फिर आपको फिर सोचना पड़ता है, फिर कवर अप करना पड़ता है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था ये, लेकिन बच गया और बहुत मज़ा आया करने में, बहुत मज़ा आया लिटरली। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ लाओ लाओ खाना वाना लाओ यार, ऐसा लग रहा है सच में बहुत झूठ बोला है अभी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।